अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पहले के वीडियोस देख लिए है, और अगर नहीं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। जिन्हें देखना ना भूलेगा, वरना इस मूवी की कहानी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों से शेयर करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें 1998 का समय दिखाया जाता है, जिस वक्त रैकून नाम के शहर में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी की लापरवाही के कारण एक ज़ॉम्बी वायरस चारों तरफ फैल गया, और एक मिलिट्री यूनिट को वहाँ इसलिए भेजा जाता है ताकि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में फंसे वीआईपी लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर सके। इस यूनिट में डिलन और जेजे नाम के दो सोल्जर्स भी शामिल थे, जिन्हें रेडियो पर सख्त निर्देश थे कि उन्हें किसी भी सिविलियन की जान नहीं बचानी है, और अगर कोई उनके रास्ते में आ भी गया तो उसे जान से मार देना है। जो आदेश डिलन और जेजे को काफी अजीब लगता है, पर उनके पास इस आदेश को मानने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। फिलहाल वहाँ पहुँचते ही इन लोगों के ऊपर ढेर सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, जिन्होंने पूरी यूनिट को ही काट कर घायल कर दिया था, सिवाय जेजे और डिलन को छोड़कर। अब सिर्फ वही दोनों सही सलामत बचे थे, पर अब जेजे जब हेडक्वार्टर से संपर्क करके उन्हें बैकअप और मेडिकल भेजने के लिए कहता है, तो हेडक्वार्टर से उसे संदेश दिया जाता है कि उन लोगों को एक जगह क्वारंटीन करके गोली मार दो, क्योंकि वो सभी इन्फेक्ट हो चुके हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता। पर जेजे जैसे ही उन सभी को गोली मारने के लिए बढ़ता है तो डिलन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो अपने साथियों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। जिस बाल को लेकर दोनों में हाथापाई हो जाती है, और इसी बीच हम देखते हैं कि इनके बाकी सभी साथी ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके थे, जो उस बंद कमरे का शीशा तोड़कर तेज से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जीसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब आगे हमें 2015 का समय दिखाया जाता है, जहां सैन फ्रांसिस्को में हम लियोन को देखते हैं, जिसे फोन करके खबर दिया जाता है कि डॉक्टर डेविड नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ गुप्त जानकारी दूसरे देश को बेचने की कोशिश की, लेकिन जब सरकार को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने डेविड को पकड़ने के लिए पुलिस को वहां भेजा, पर तभी कुछ लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर हमला करके डेविड को अपने साथ ले गए, जिनकी गाड़ी कुछ ही देर में लियोन के सामने से गुजरने वाली थी, जिसकी इतना कहते ही सच में एक गाड़ी उसके सामने से गुजर जाती है, जिसका वो तुरंत पीछा भी करने लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ मारिया नाम की एक लड़की आ जाती है, जो लियोन को रोकने में लग जाती है, और काफी देर के जद्दोजहद के बाद वो लियोन को बाइक से गिराकर वहाँ से चली जाती है। इससे ये समझ आता है कि कोई तो था जिसने लियोन को रोकने के लिए मारिया को भेजा था, पर वो कौन है हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें क्लेरा को दिखाया जाता है, जो एक बीच पर किसी मरे हुए व्हेल मछली की जांच करने के लिए आई थी, जिसके शरीर पर काफी बड़े बड़े दांतों के निशान मौजूद थे। क्लेरा इस निशान को देखकर समझ नहीं पाती कि आखिर ये किस तरह के जानवर के है। दूसरी तरफ हम जेल को देखते हैं, जो एक अनजान जगह पर किसी चीज की छानबीन कर रही होती है। तभी फिर उसे क्रिस का कॉल आता है, जो जिल से इंतजार करने के लिए कहता है। क्रिस उसे कहता है कि तुम हमारे आने तक अंदर मत जाना, क्योंकि ये नए तरीके का खतरा है, पर जवाब में जिल ये कहकर फोन काट देती कि वो पहले भी अंदर जा चुकी है, जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जिसे कैसे तो वो वहीं मार गिराती है, और इसी तरह कुछ और ज़ॉम्बीज भी वहां घुस आते हैं। उन सभी से अब जिल काफी बहादुरी के साथ लड़ती है और खुद को बचाते हुए उन्हें मार गिराती है। इसके तुरंत बाद हम वहाँ क्रिस को उसकी टीम के साथ देखते हैं, जो जिल को सही सलामत देख चैन की सांस लेता है। दूसरी ओर हम डिलन को देखते हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ मारिया भी होती है और इन्हीं लोगों ने डेविड को अगवा किया था। डिलन इस टी वायरस यानी कि ज़ॉम्बी वायरस के जरिए दुनिया खत्म करने का प्लान कर रहा था, जिसके लिए उसे डेविड की मदद की जरूरत थी। पर इस बात से अनजान क्रिस रेबेका से मिलता है, जो उसे बताती है कि जिल ने जिन ज़ॉम्बीज़ की जान ली थी, उनके अंदर एक अलग तरह का ज़ॉम्बी वायरस मौजूद था, जो इनके अंदर जबरदस्ती इंजेक्ट किया गया है। उसका मानना है कि मानो किसी ने इस टी वायरस को अपडेट कर दिया है, जिस कारण मैंने जो पहले वैक्सीन बनाई थी वो इस पर असरदार साबित नहीं होगी, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द नई वैक्सीन बनानी होगी, जो समझाने के बाद वो अपने काम पर लग जाती है। वहीं डेविड डिलन की कैद से भाग चुका था, जिसका उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं था, क्योंकि उसे डेविड से जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। साथ ही ये लोग अल्कतराज नाम के आइलैंड पर थे, जहां पूरे आइलैंड पर डिलन अपनी नजर बनाए हुए था।
वहीं इधर क्लेरा रेबेका क्रिस और जिल से मिलने आती है, जो रेबेका से कहती है कि तुम्हें जो वायरस उन ज़ॉम्बी से मिला है वैसा ही एक वायरस आज मैंने एक वेल के अंदर भी देखा। साथ ही जिन भी लोगों को इस वायरस से इंजेक्ट किया गया था वो सभी अल्कतराज आइलैंड घूमने के लिए गए थे, इसलिए क्लेरा क्रिस और जिल वहां के लिए रवाना हो जाते। वहीं तब तक रेबेका इस वायरस की वैक्सीन को बनाने पर ध्यान देगी, जो जैसे ही तैयार हो जाएगी वैसे ही वो बैकअप लेकर इन सभी को मदद करने पहुंच जाएगी। वहीं ये लोग जिस आइलैंड पर घूमने आए थे वहां क्रिस क्लेरा और जिल को सब कुछ सही लग रहा था, पर फिर अचानक से उनमें से एक इंसान ज़ॉम्बी में बदल कर सबको काटने लग जाता है, जो देख तीनों भी सावधान हो जाते हैं और उस ज़ॉम्बी को क्रिस तुरंत गोली मारकर ढेर कर देता है। लेकिन वहाँ मौजूद अब सभी लोग एक एक करके ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे थे सिवाय इन तीनों को छोड़कर। इन सभी से क्रिस और क्लेरा किसी तरह निपट रहे थे तो दूसरी तरफ ज़ॉम्बी से लड़ते हुए जिल एक अनजान जगह पहुंच जाती है। यहाँ क्रिस और क्लेयर बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए सभी लोगों को मार देते क्योंकि वो सभी ज़ॉम्बीज बन चुके थे। पर अब शांत होने के बाद जब क्रिस वहाँ जिल को नहीं देखता तो उसे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ के सिग्नल जैमर ने उनके सिग्नल्स को बंद कर दिया था, जिससे अब जाहिर होता है कि ये सब डिलन का ही काम होगा। वहीं इधर जिले एक अजीब जगह पहुंच जाती है जहां पानी के अंदर काफी सारे खतरनाक क्रिएचर्स को देखते हैं, और इसी के साथ सीन डिलन की तरफ मुड़ जाती है जो अपने दोस्त जेजो को याद कर रहा था। यहाँ में फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि जब वो ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें आता देख जीजी ने डिलन को एक तरफ धक्का देकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे सभी ज़ॉम्बीज मारे तो गए लेकिन उनमें से एक ने जेजे को काट लिया था। ये देख अब डिलन हेडक्वार्टर से संपर्क करके उन्हें सारी स्थिति के बारे में बताता है, जो बात सुनकर उसे हेडक्वार्टर से आदेश दिया जाता है कि तुम अपने दोस्त जेजे को मार दो क्योंकि अब वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। ये बात अब जैसे ही जेजे सुनता है तो वो डिलन को मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से डिलन को ना चाहते हुए भी अपने दोस्त की जान लेनी पड़ती है। दरअसल यहाँ इस जानलेवा मिशन के लिए इन सभी को सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि वो VIPs को वहाँ से सुरक्षित निकाल सके और किसी को भी आम आदमी या इन सैनिकों के बारे में नहीं सोचना है, जिस कारण डिलन को अपनी दोस्त की जान लेनी पड़ी और इस बात के लिए आज तक वो सरकार और सिस्टम को दोषी मानता है। इसलिए वो अब सारी दुनिया को तबाह कर देना चाहता है क्योंकि अब उसका मानना हो गया था कि ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सभी मतलबी है। इसके बाद हमें जेल को दिखाया जाता है जिसे किसी के वहाँ होने का एहसास होता है, और जब वो उस तरफ देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि लियोन था जो यहाँ डेविड को ढूंढने आया था, पर यहाँ वो भी जेल की तरह ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुका था जिन्हें दोनों मिलकर मार रहे थे। लेकिन तभी वो देखते कि अचानक से एक क्रीचर वहाँ कर उन ज़ॉम्बीज को खाने लगता है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड था। इससे अब लियोन को समझ नहीं आता कि वो इससे कैसे निपटे, जहाँ दोनों कैसे तो बड़ी मुश्किल से उस क्रीचर को मार पाते। हालांकि अगले पल वहाँ वैसे ही ढेर सारे और क्रीचर्स आ जाते जिनसे अब भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, लेकिन क्रीचर्स की रफ्तार काफी तेज थी इसलिए आखिर में लियोन एक बॉम्ब निकालकर उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे वो सभी एक ही बार में धमाके के साथ खत्म हो जाते। इसी बीच क्लेरा और क्रिस को एक आदमी मिलता है जो एकदम ठीक ठाक था। वो अपना नाम टॉम बताता है जिसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। क्लेरा और क्रिस टॉम से अब बात कर ही रहे होते कि तभी अचानक से उन दोनों को अपने गले में कुछ चुभने का एहसास होता है और अगली पल वो जमीन पर पड़ जाते हैं, जो देख टॉम वहां से भाग निकलता है जिसके रास्ते में आगे मारिया खड़ी होती है। दूसरी तरफ रेबेका वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाती है, इसलिए वो वैक्सीन के साथ बैकअप टीम लेकर उस आइलैंड के लिए निकल जाती है। वहीं लियोन और जिल को एक खुफिया सुरंग मिलता है जिसमें जाने पर ये लोग एक ऐसी जगह निकलते हैं जहां हद से ज्यादा हथियार मौजूद थे। दरअसल मिलिट्री अपने हथियार यहीं स्टोर करके रखती है, साथ ही यहाँ और भी छानबीन करने पर इन्हें अनगिनत बायो ड्रोन्स दिखाई देते जिन्हें जाहिर है डेविड ने बनाया होगा, और इन्हीं की मदद से डिलन पूरी दुनिया में वायरस फैलाना चाहता है जिससे ज़ॉम्बीज को किसी को भी काटने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि लोगों को ड्रोन्स के जरिए वायरस से इन्फेक्ट किया जा सके। तभी लियोन और जिल को डिलन की आवाज आती है जो उन्हें धमकाता है कि तुम अभी दुनिया की नहीं बल्कि अपने दोस्तों की फिक्र करो जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे। जिसकी ये बात सुनते ही वो दोनों तुरंत क्रिस और क्लेरा के पास जाते हैं जिन्हें बंद करके रखा गया था। लियोन देखता है कि क्लेरा को डिलन ने डेविड के साथ रखा है, और अब हमें पता चलता है कि टॉम ही डेविड है जिसने क्लेरा और क्रिस को अपना गलत नाम बताया था। इन सब के बीच वहाँ डिलन और मारिया भी आते हैं जिनकी आते ही एक बायोड्रोन लियोन को इंजेक्ट करके इन्फेक्ट कर देता है।
वो अब रिवील करता है कि इसी तरह मेन ड्रोन्स को कंट्रोल करके अपने मुताबिक कहीं भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं इसे पूरी दुनिया में फैलाऊंगा ताकि लोग अपनी ही जान ले ले, तब जाकर उन्हें मेरा दर्द पता चलेगा। वहीं डिलन ने जिल को इन्फेक्ट नहीं किया था, बल्कि वो उसे कहता है कि मैंने डेविड और क्लेरा को एक साथ बंद किया है, जिसमें से क्लेरा इन्फेक्ट होने की वजह से कुछ ही देर में जॉम्बी में बदल जाएगी और ऐसा होते ही डेविड को चीर फाड़ डालेगी। वो अब जिल को चुनने के लिए कहता है कि क्या वो अपनी दोस्त को मारकर डेविड को बचाएगी या फिर उसे क्लेरा के हाथों मरने दोगी। इससे अब जिल कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी, तो दूसरी ओर रेबेका और बैकअप टीम के ऊपर बड़े दांत वाले क्रीचर्स हमला कर देते हैं, जो बैकअप टीम को तो मार देते हैं, लेकिन रेबेका किसी तरह बच जाती है। वहीं जब जिल कुछ कर नहीं पाती तो मारिया उसे पकड़ लेती है और डिलन फिर डेविड को गोली मार देता है। वहीं अब जिल की जान खतरे में देख लियोन एक बॉम्ब फेंककर वहां जोर का धमाका कर देता है, जिससे किसी को कुछ होता तो नहीं, पर जिल मौका देखकर वहां से भाग निकलती है। लियोन की अब ऐसी हरकत देख मारे उसे मारने पड़ती है, पर उसे डिलन रोक देता है और समझाता है कि ये लोग तो कुछ ही देर में बदल जाएंगे, इसलिए अभी मेरे साथ चलो, एक आखिरी काम अब भी बाकी है। उनके जाने के बाद क्लेरा इस हालत में भी डेविड की जान बचाने की कोशिश करती है, जो देर डेविड क्लेरा को ये समझाता है कि इन बायोडोन्स के नेटवर्क में मैंने एक बैकडोर प्रोग्राम भी बनाया है जिससे उसे काबू किया जा सकता है, जो उस बैकडोर प्रोग्राम की चाबी क्लेरा को देने के बाद दम तोड़ देता है। वहीं जिल की मुलाकात रेबेका से होती है, जो जिल से बताती है कि मैं वैक्सीन ले आई हूँ, पर बैकअप टीम मारी गई, जो बात जानकर जिल उसे बाकी सभी के पास जाकर उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए कहती है और खुद वो डिलन के इस प्लान को रोकने के लिए चली जाती है, जो अब तक सारे बायोड्रोन्स को आजाद कर देता है, जिन्हें इस आइलैंड से बाहर निकलने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। रेबेका अब तुरंत वहां पहुंचकर क्रिस, क्लेरा और लियोन को वैक्सीन देती है, जिससे वो एकदम ठीक हो जाते हैं और अब वो भी डिलन को रोकने के लिए तैयार थे। आप सभी अलग रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जिस दौरान लियोन का सामना मारिया से होता है, जो मार्शल आर्ट में काफी अच्छी थी। वो लियोन को काफी बुरी तरह मारती है, हालांकि एक लंबी लड़ाई के बाद किसी तरह लियोन उसको मारने में कामयाब हो जाता है। उधर जिल के सामने डिलन आ जाता है, जिसे इससे पहले जिल मार पाती वो एक इंजेक्शन अपने शरीर में इंजेक्ट करने के बाद पानी में कूद जाता है, जहां अब हम उसे एक क्रीचर से मिलते हुए देखते हैं। इसी बीच वहां क्लेरा, रेबेका, क्रिस और लियोन भी आ जाते हैं, जिन्हें देख जिल काफी खुश होती है, लेकिन तभी वहां पानी में से एक विशाल क्रीचर को निकलते हुए देखते हैं, जो दिखने में काफी अजीब था, जिसका चेहरा काफी घिनौना लग रहा था, जिसे देखकर सभी समझ जाते कि ये डिलन का ही चेहरा है। अब इस विशाल क्रीचर का सामना करने के लिए सभी उस पर टूट पड़ते हैं, जिसी बीच क्लेरा और रेबेका चाबी लेकर सर्वर रूम की तरफ भागते हैं, ताकि वो बायोड्रोन्स को फैलने से रोक सके। वहीं इस क्रीचर पर ना बॉम्ब और ना ही गोली का कुछ असर हो रहा था, जिससे फिर भी जिल, लियोन और क्रिस बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। तभी जिल की नजर एक प्लाज्मा गन पर पड़ती है, जिसे अगर नजदीक से पूरी ताकत से चलाया जाए तो ये 21 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा कर सकती है। इसलिए क्रीचर के करीब जाते ही जिल उस पर फायर करती है, जिससे वो गिर तो पड़ता है, लेकिन इससे वो सिर्फ घायल हुआ था, जिस कारण जिल को अब उस पर एक और फायर करना होगा, जो वो कर पाती इससे पहले वो क्रीचर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इधर सर्वर रूम में रेबेका उस चाबी के जरिए सारे बायोड्रोन्स को अपने काबू में कर लेती है और फिर वो उन्हें नष्ट करने के बजाय उल्टा उस क्रीचर पर छोड़ देती है, जिससे जिल और बाकी सब लड़ रहे थे। इससे होता ये कि ड्रोन्स की वजह से क्रीचर पूरी तरह वायरस से ओवरलोड होने लगता है और जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है। ये देख अब जिल उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ करती है, ताकि लियोन और क्रिस मेन गेट को सही समय पर फायर करके क्रीचर के ऊपर गिरा पाए और रही सही कसर क्रीचर को बॉम्ब से उड़ाकर जिल पूरी कर देती है, जिससे वो आखिर में मारा जाता है, जिससे सभी की जान में जान आती है। पर वहीं ने पता था कि अभी टी वायरस का खतरा टला नहीं है, इसलिए उन्हें हमेशा मासूम लोगों की जान बचाने के लिए इस खतरे से लड़ते रहना होगा। जिसी पॉजिटिव एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।